खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी का दंश झेल रहे बेरोजगारों के सामने अब विकराल समस्या खड़ी होती जा रही है। बढ़ रही समस्याओं को लेकर एनएसयूआई ने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर जिले में संचालित उद्योग धंधों पर बेरोजगारों को रोजगार की मांग की है। टीआरएस कॉलेज एनएसयूआई के अध्यक्ष पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में छात्रों के संगठन ने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा और इस दौरान स्मृति ईरानी से लेकर रीवा के सभी विधायक और सांसदों को जमकर लताड़ लगाई। एनएसयूआई पदाधिकारियों ने कहा कि जब 150 रुपये की महंगाई थी तो स्मृति ईरानी चूड़ी फोड़ती थी, लेकिन आज महंगाई विकराल रूप धारण कर ली है तो महंगाई और बेरोजगारी पर कोई जवाब नहीं दे रहा, ना ही बात करना चाहता है। छात्रों ने कहा कि अगर शीघ्र ही बेरोजगारों को रोजगार और संस्थाओं पर नौकरी नहीं मिलती तो कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। बोलना है कि मध्य प्रदेश सरकार ने बंद किया। सर ये बोल रहा हूँ, जब इन लोगों का स्कॉलरशिप नहीं आएगी तो आगे इन लोगों का वो कहाँ से हो पाएगा, एडमिशन कहाँ से ले पाएंगे जो सामान्य परिवार से। ठीक है, तो सर हम लोगों का मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन है ये आपके माध्यम से, तो हम लोगों का ये है कि आग्रह है कि उसके बाद भी इसमें कोई मतलब वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा जहाँ फॉर्म डाल रहे हैं हम लोग वैकेंसी के लिए। फिर दूसरा आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के युवा साथी जो कि कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो कि पढ़ चुके हैं, कुछ ऐसे छात्र हैं जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट भी हो चुका है, वो छात्र युवा यहाँ के रोजगार के लिए भटक रहे हैं, जबकि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा जैसे शहर में है, उसके बाद भी यहाँ के स्थानीय युवा सबसे ज़्यादा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। यहाँ का ना तो प्रशासन कोई इस पर जवाब देने को तैयार है, ना यहाँ के 8-8 विधायक और ना सांसद, जबकि यहाँ पूरा भाजपा का कब्जा है, पूरे के पूरे 8 विधायक यहाँ भाजपा के हैं, 8 एक सांसद भाजपा का है, उसके बाद भी सोलर प्लांट में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, कोई वैकेंसी नहीं निकली जा रही है, बाहर के लोगों को यहाँ लाकर रोजगार दिया जा रहा है, क्या स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता। मेरा माननीय विधायक जी से अनुरोध है, मैं हम लोग आज कमिश्नर साहब को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे रहे हैं और हम लोगों की मांग ये है कि सभी छात्र जो पढ़ लिख कर आगे पढ़ लिख चुके हैं, रोजगार के लिए भटक रहे हैं, 10,000 की नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं, उनको रोजगार दिया जाए यहाँ सोलर प्लांट में। एशिया का सबसे बड़ा यहाँ सोलर प्लांट है रीवा में, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन वहाँ रोजगार भी तो मिलना चाहिए स्थानीय लोगों को, हमारी मांगें ये थी। दूसरी मांग ये है कि जिस प्रकार से महंगाई लगातार बढ़ रही है, महंगाई पर कोई बोलने को तैयार नहीं है, आम जनता का जीवन जो है नहीं जो आम जनता है वो अच्छे से अपना जीवन नहीं व्यतीत कर पा रही महंगाई के कारण। पेट्रोल आज 110-115 रुपये है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। स्मृति ईरानी 120 रुपये पेट्रोल जब हुआ कर 70 रुपये हुआ करता था कांग्रेस सरकार में, तब सड़क में बैठ के चूड़िया फोड़ा करती थी, आज उनका रता पता नहीं है। भाजपा का कोई सांसद विधायक सामने बैठ कर इस मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं। 2 महीने से कॉलेजों में स्कॉलरशिप का पोर्टल बंद है, कोई भी प्रशासन या कि कोई भी मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश में कोई भी उस शिक्षा के बारे में बात करने को तैयार नहीं है। पोर्टल कब खुलेगा किसी से पूछो तो बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने बंद किया है। जो नॉर्मल सामान्य परिवार से पढ़ रहा है, परीक्षा फीस नहीं जमा कर पा रहा है, वो छात्र परेशान है कि अगले उसमें एडमिशन कैसे लेंगे जब स्कॉलरशिप नहीं आई। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम लोगों ने कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया है, हम लोगों की मांगें जल्द से जल्द पूरी की जाएं, अन्यथा हम लोग बड़े स्तर पर भी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और अगला कलेक्ट्रेट घेराव करेंगे।